देखिए जरा, हर उम्मीदवार यही कह रहा है, और इसमें बीजेपी की तरफ से, बीजेपी जिसको अपना बाहुबली मान रही है, वो है कृष्ण मिड्ढा। 2 बार विधायक रहे हरिचंद मिड्ढा के, सुपुत्र हैं कृष्ण मिड्ढा, और इनके पिताजी INLD में थे, लेकिन कृष्ण मिड्ढा जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए 2 महीने पहले। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इनके कुछ और डिटेल्स बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, ये पंजाबी हैं, पंजाबी वोट बैंक भी वहाँ बहुत अहम रोल रखता है। विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, इससे पहले 2 बार लगातार इनके पिताजी रहे। जींद में अपना क्लिनिक चलाते हैं, और ये कहते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन के कई लोग जो हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनको फ्री में भी वहाँ इलाज दिया जाता था इनके पिताजी के समय से, और ये अभी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर कृष्णा मिड्ढा, और इनके लिए अच्छी बात यह है कि जिस तरह से जवाहर सैनी ने पहले विद्रोह किया था, अब वो कह रहे हैं कि इनके फेवर में है और इनके पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। जींद में पहले विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, चाहे वो शहर का काम हो, प्रत्येक हाँ जी, सड़क बनाने का काम कर रही है, और चाहे वो ग्रामीण का समस्या हो पानी को लेकर, वो भी कार्य रूटीन में चल रहा है। लेकिन विशेष तो ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना की जाएगी कि जींद में एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिलने का काम। और इनकी टक्कर जिनसे होनी है वो कई और बाहुबली हैं, सियासी तौर से वो भी बाहुबली हैं। अब जेजेपी की बात कर लेते हैं। जेजेपी जो है, यानी कि जननायक जनता पार्टी का जाबाज कौन है, वो है दिग्विजय चौटाला साहब। इनकी भी ग्राफिक्स के जरिए जरा हम विशेषताएं आपको बताते चलते हैं। जननायक जनता पार्टी के ये उम्मीदवार हैं दिग्विजय चौटाला, और ये जाट है। याद रखिए, जाट वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है जींद में। विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ेंगे, वैसे नाम बड़ा इनका रहा है हरियाणा के सियासत में। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं ये। जींद से इनके परिवार का पुराना नाता है, और जींद के लोगों ने इनके परिवार को भरपूर प्रेम और वोट भी वक्त वक्त पर दिया है। मीटिंग करके कलेक्टिवली जो भी फैसला होगा, जो साथी चाहेंगे, मैं उस फैसले को शर्मा दिल्ली के मतलब जेजेपी में तो कम से कम नहीं जाएंगे, क्यों? जेजेपी में तो नहीं जाएंगे। मैंने कहा अभी मीटिंग चल रही है जी, अभी फैसला नहीं हुआ है, जैसे फैसला होगा मैं आपको सबसे पहले मीडिया को, वैसे तो खुद ही पता लग जाता है तो फिर भी मैं आपको। इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ने का कोई, ये हमारी पहले ही सभी कार्यकर्ता सम्मेलन हमने किया था, मीटिंग बैठी थी, इसी ये फैसला हुआ था कि इंडिपेंडेंट हम चुनाव। INLD की तरफ से सियासी रिंग में कौन उतरेगा, कौन करेगा उनकी तरफ से मुक्केबाजी, ये हैं रेडू साहब। अब ग्राफिक्स के जरिए जरा इनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इनेलो के प्रत्याशी हैं उमेद सिंह रेडू साहब, ये भी जाट हैं। जाट वोट बैंक हम बार बार बता रहे हैं कि सबसे बड़ा वोट बैंक है। पहली बार विधानसभा का चुनाव ये भी लड़ेंगे, फिलहाल जिला परिषद जींद के उप प्रधान हैं ये रेडू साहब। इसके अलावा इससे पहले जिला पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं, वर्तमान में ठेकेदारी करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और नई नवेली एक और पार्टी जो पहली बार चुनाव में उतर रही है वो है राजकुमार सैनी की पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का लड़ाका कौन है? पंडित उम्मीदवार पर दांव लगाया है राजकुमार सैनी ने, ब्राह्मण नेता पर। उनके भी ग्राफिक्स के जरिए जरा डिटेल्स आपको बता दें कि LSP का लड़ाका लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार है पंडित विनोद आश्री, ब्राह्मण है।
अपना पहला विधानसभा चुनाव ये लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव लड़ने का अनुभव जरूर इनको रहा है, नगर परिषद जींद के चेयरमैन रह चुके हैं, यानी कि चुनाव लड़ने का अनुभव है। विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे और अब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से पंडित विनोद आश्री मैदान में हैं। तो नगर परिषद जींद के चेयरमैन रह चुके हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी तो एलएसपी का लड़ाका है पंडित विनोद आश्री। और देखिए, ब्राह्मणों की का वोट बैंक भी अच्छा खासा है, अब वो वोट बैंक इनके फेवर में तब्दील होता है या नहीं होता है, ये बड़ा सवाल है। अब बात कर लेंगे कांग्रेस के जायंट किलर के। जायंट किलर क्यों कह रहे हैं हम रणदीप सुरजेवाला को, क्योंकि इनको लगातार चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव तो है ही, मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा में, अभी राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी के चहेते हैं, खास हैं, लेकिन जींद से क्यों इनको जोड़कर देखा जा रहा है और चौटाला परिवार से कैसे इनकी इनके रिश्ते हैं वो समझने के लिए आप ये समझिए कि 1996 में और 2005 में दो बार ये ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव में हरा चुके हैं। क्या कह रहे हैं ये चुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद, जरा सुनिए। जींद का चुनाव जींद के विकास का चुनाव है। जिस प्रकार से जींद विधानसभा और जींद जिला बदहाली और उपेक्षा का शिकार रहा है, उसको बदलने का चुनाव है। जींद का चुनाव माटी का कर्ज उतारने का चुनाव भी है। जींद का चुनाव हरियाणा में बदलाव की एक नई बयार शुरू करने का चुनाव भी है। जींद का चुनाव वो कर्ज जो जींद की माटी का हम सब पर है, उसको विकास की गंगा में तब्दील करने का चुनाव है। हालांकि कांग्रेस का जायंट किलर जरूर हम ये कह रहे हैं, लेकिन इनके बारे में जिनसे ये मुलाकात करने के लिए पहुंचे, वही बड़े नेता जो कई बार वहां से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री रह चुके हैं, वही कह रहे हैं कि ये बलि का बकरा बनाया गया है रणदीप सुरजेवाला को। रणदीप सुरजेवाला का क्या होगा, बाकी उम्मीदवारों का क्या होगा, जींद के चुनाव में क्या होगा, पल पल के अपडेट्स लगातार हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है सबसे पुख्ता जानकारियों के साथ। सबसे पहले आज नॉमिनेशन का दिन था, नॉमिनेशन सबने फाइल कर लिया, तो अब जंग और मजेदार होगी, पूरी जोर आजमाइश होगी।